फोर लेन लोक पोटी के राजेश पठानिया को आमरण अनशन पर बैठे 10 दिन हो गए हैं। अब तो राजेश की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और सरकार पता नहीं क्यों सोई हुई है। उद्योगपतियों की आवागमन में जुटी प्रदेश सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि उसके पास संघर्ष कर रहे लोगों की जायज बात सुनने का भी समय नहीं है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस महासचिव नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन द्वारा संगठन जिला कांग्रेस नूरपुर की ओर से फोरलेन लोकवाड़ी नूरपुर द्वारा किए जा रहे अनशन को दिए समर्थन के दौरान लगाते हुए लगाए। महाजन ने कहा कि पठानकोट मंडी में जब फोर लेन योजना की घोषणा हुई तो लोगों ने सड़क को महत्व देते हुए कोई विरोध नहीं किया, लेकिन 3 साल से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी प्रभावित हो रहे लोगों की सरकार की ओर से भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो नौबत यहां तक आ गई कि लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। लेकिन विवंडना का विषय यह है कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इतना भी समय नहीं है कि वे अपने लोगों की बात सुन सकें और उनकी समस्याओं का निदान कर सकें। पठानकोट मंडी फोर लाइन योजना जिला कांगड़ा के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इस योजना के प्रति भी सरकार के पास स्वस्थ जवाब नहीं है कि ये योजना धरातल पर उतरेगी। ये कांगड़ा से सरेआम धोखा किया जा रहा है। संगठन जिला कांग्रेस नूरपुर के अध्यक्ष करण सिंह पठानिया ने कहा कि लोगों की आवाज को अनसुना करना समझ से परे है। सरकार लोगों की जायज मांगों पर संवेदनशील बनना चाहिए। अनशन पर डटे लोकवाड़ी अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होकर ही रहेगी। उन्होंने कहा कि शांता कुमार ने भी रास्ता आरोपजनक घोषणा की थी कि पठानकोट मंडी फोर लाइन योजना का कार्य जल्द पूरा होगा, लेकिन लोगों को अब तक भी पता नहीं है कि कब कार्य शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में आयोजित अश्व प्रदर्शनी घुड़दौड़ के साथ विधिवत संपन्न हुआ। 4x800 मीटर घुड़दौड़ रामपुर सुरट के धर्मपालनी जीता। प्रदर्शनी समापन पर पशुपालन विभाग की ओर से विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में अव्वल आने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। रामपुर में आयोजित इस प्रदर्शनी में करीब 400 घोड़े आए थे, लेकिन खरीदार अधिक होने के कारण घोड़ों की मांग अधिक रही। मेला समाप्ति के बाद भी कई उत्तराखंड से आए व्यापारी घोड़ों की आस में डेरा जमाए हैं। हर वर्ष में 11 नवंबर से आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पहले रामपुर के पाट बंगला मैदान में अश्व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य आकर्षण तिब्बती नस्ल के चौमूर्थी घोड़े होते हैं। इस बार तिब्बती नस्ल के करीब 100 घोड़े स्पीति से लाए गए थे। मांग अधिक होने के कारण प्रथम दिन ही बिक गए थे। धर्मपाल ने बताया कि उन्होंने 400x800 मीटर घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीता है। वे अपने चेतक घोड़े की बदौलत 5 सालों से प्रतियोगिता को जीत रहे हैं। वह अपने घोड़े का पूरा ख्याल रखते हैं। कृपाल सिंह, उन्होंने रेस में दूसरे नंबर पर आने वाले घोड़े को 50,000 में खरीदा है। अब वे इसे लेकर घर जाएंगे। उत्तराखंड से आए गोविंद सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। उनके साथ 22 लोगों की टोली घोड़े खरीदने के लिए आई थी। उन्होंने बताया कि रामपुर अश्व मेले अच्छी नस्ल के घोड़े सस्ते घोड़े मिलते हैं, तो वे उम्मीद लेकर चले थे, लेकिन अच्छे घोड़े उनके पहुँचने से पहले ही बिक चुके थे। वे वापस होने से पहले 24,500 में एक घोड़ा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ जाना भी उचित नहीं। जिस रेट में घोड़े यहाँ मिल रहे हैं, उस रेट में तो उनको अपने वहाँ भी मिल जाते हैं। स्पीति के मूद गांव से आए रिगजिन आंगचू ने बताया कि वे और उनके साथी स्पीति से 76 चौमूर्थी नस्ल के घोड़े लेकर आए थे, लेकिन 2 दिनों में ही उनके सारे घोड़े सही दाम में बिके। सबसे महंगा घोड़ा उनका 47,000 में बिका। उन्होंने बताया कि वे चौमूर्थी नस्ल के घोड़े लेकर आते हैं और ये घोड़ा सुरक्षित दौड़ने के साथ अधिक ठंड और भूख सहने की क्षमता रखता है। उत्तरकाशी से आए कृष्ण सिंह ने बताया कि वे 10-12 वर्ष से घोड़े खरीदने रामपुर लवी आ रहे हैं, लेकिन इस बार घोड़े बिक गए हैं, वो पसंद नहीं आ रहे हैं। रतन सिंह ने बताया कि उन्होंने घोड़ा रेस में दूसरे नंबर पर आने वाले को 50,000 में बेचा है। इस बार घोड़े सारे बिक गए हैं। खरीदार अधिक होने के कारण रेट भी सही मिला है।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक अजमेर डोगरा ने बताया कि अश्व प्रदर्शनी में करीब 400 घोड़े आए थे। इसका मकसद पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है। प्रदर्शनी के दौरान पशुपालकों के लिए कार्यशाला भी लगाई जाती है। इस दौरान खरीदा फरोख्त होता है। इसमें चौमूर्थी नस्ल के घोड़ों की मांग अधिक रहती है। ये घोड़े पहाड़ों पर कामयाब हैं।